toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. Glory to thee, O Lord, supreme master of all realization. Give us a faith active and ardent, absolute and unshakable in thy victory. नमस्कार करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद मातृरचनावली द्वादश खंड को जोटा कि शिक्षा उपरे आधारित ताकु प्रारंभरु आमे धारावाहिक भावरे आलोचना करिबा पई स्थिर करछे। आज आमे से पुस्तकर किछि उपक्रम सहित तार प्रथम जो अध्याय रहिछि जीवन विज्ञान ता उपरे आलोचना करिबा। जेतेबेले आमे मातृरचनावली टी को खोलु मातृरचनावली 17 खंड रहिछि। माँ जेतेबेले पंडिचेरी रे थिले सेही समय रे से विभिन्न क्लास गुड़िक जेमती आमे पाठचक्र सब करूछे सेमती किछि पिला मानको नेइक्री आश्रम रो साधक मानको नेइक्री माँ अनेक किछि विषय गुड़िक विशेष करी श्री अरविंदंकर दर्शन एवं अन्यान्य जो गभीर पुस्तक गुड़िक रही अत्यंत सरल भाव समस्त पाखे व्याख्या करुले एवं जो शिक्षा बहीटी या आश्रमर जो विद्यालय रही तार गोटे बुलेटिन प्रकाशित होता से बुलेटिन रे ये लेखा गुड़िक फरासी भाषा से बाहर था परे माँ किछि ताको अनुवाद करथिले एवं अन्य माने ताको अनुवाद करछन्ती। तेणु द्वादश खंडटी संपूर्ण भावरे आमर शिक्षा को केन्द्र करिकी तयारी हेछि। आमे प्राय अनेक श्री अरविंदंकर शिक्षानुष्ठान सहित जड़ित हेकरी अछि पिला मानंकर शिक्षा सहित आम निज पई मध्य ए बहीटी बहुत फलप्रद हबो जदि आमे ताकु आंतरिक भावरे पढ़ु एवं आम जीवन रे ताकु कार्यरे लगाऊ। आमे जेतेबेले ए बहीटी को खोलिबा सेतेबेले प्रथम माँकर गोटे बाणी रहिछि एठि माँ कहुछन्ती जे मोर कथा को कदापि गोटे शिक्षापदेश बोली भावनाय काहेकि कारण माँ जहाँ सब कहिथान्ती ताहाकु एक क्रियाशील शक्ति भावरे से व्यवहार करन्ती एवं से कथाटी को जीए भी पढ़िबो जीए भी अध्ययन करिबो निश्चित भावरे ता भित्रे गोटे विराट बड़ परिवर्तन टी से लक्ष्य करिबो कारण से लेखा पश्चात रे सेतिक शक्ति निहित हेकि अछि। तेणु जेतेबेले आमे ई लेखा गुड़ी को पढ़िबा तार जो उद्देश्य टी रहिछि से उद्देश्यर साधन करिबा पई आमे ताको व्यवहार करिबा दरकार। आमे अनेक गुड़ाए उपदेश बाहर शुणु बहुत प्रकार जन बहुत प्रकार नीति शिक्षा उपदेश गुड़िक दे था आमे केबे भी माँ को लेखाटी को सही दृष्टि रे देखिबा ना कारण यही जो लेखा गुड़िक गोटे ऊर्धतर जगत रु दिव्य जननी भितर देकरी आम मानव समाज को आसी लेखा ही आज ताकि विश्व बंदित करी आपण माने निजे भाविकी देखंतु जे श्री अरविंद जेतेबेले सशरीर रे थिले माँ थिले सेतेबेले निजर कथाटी को से एते प्रसार करिबा पई प्रचार करिबा पई केबे भी उद्यम करी नथिले
मनुष्य समाज जेतेबेले धीरे धीरे तांकर लेखार संस्पर्शरे आसुची केवल आम भारतवर्षर विज्ञ व्यक्ति माने नुहंती समग्र पृथ्वीर जो बड़ बड़ विद्वान माने अछंती एमिति कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो सब विराट दार्शनिक वैज्ञानिक सब रही से माने समस्ते मातृ माँकर तथा श्री अरविंदंकर रचनावली को से माने अध्ययन करती कारण ये लेखा भितरे सेते शक्ति निहित हो अच्छी एवं ता भितरे सेते गभीर ज्ञान गुड़िक लुकायित हो अच्छी एमिति भाविकी आम माँ को बही गुड़ाक पढ़ा दरकार तापरे माँ प्रथम भाग बहीर रही से गोटे बहुत उपादेय कथाटी कहती कहते जे मु जो कथा गुड़िक कहटा को बेसी बेसी कष्टकर भाव से आमको प्रकाश करूना बहुत साधारण बोध्य समस्ते बुझीपारा भाया गोटे साधारण व्यक्ति ताको बुझीपारा भाया सी आम आगे प्रकाश करती एतिकी भी कहते जे केबे भी भावना जे गोटे बड़ जोगपथ प्रवेश करने मु तुमको ये कथा गुड़िक कहूँ जदिओ येखा गुड़िक जड़े साधक जड़े जोगी उद्दिष्ट किंतु तथापि से कहते जो साधारण मनुष्य समाज ए पृथ्वी रे बास करुछंती जो माने साधारणतः गोटे भौतिक जीवन जापन भी करू थाई पारंती से ही मानंकर उत्थान पाई से मानंकर अग्रगति पाई माँ तांकर कथा गुड़िक से एठी प्रकाश करछंती से आहुरी गोटे बहुत उदार भाव में गोटे बड़ कथाटी भी कहुछंती जे आम्भे माने मध्य भाबू जे जो माने आश्रम रे अछंती बा जो माने कहुछंती जे से माने जोगी बळी बा जोग साधना करुछंती बळी माँ कहुछंती जे केते जण संसार रे रहुथिबा व्यक्ति मध्य जेमती आम मानक भळिया आमे घरे अछु घर काम करुछु स्कूल जाउछु एवं आमे निजकु गोटे जड़ जड़वादी गोटे वस्तुवादी भळी आमको लागू थाई पारे किंतु माँ कहुछंती एमिति वस्तुवादी मनीष माने भी आहुरी अधिक अग्रगति करिथांती जणे जोगी बा तथाकथित साधक मानक भळी तेणु सी समस्तक भितर संभावनाटी देखुछंती आमे केबे भी भाबा नै जे जणे आश्रम रे रहिले ही से केवल योग साधना करि पारिबो बा गुटे उच्चतर जीवन बंची पारिबो मा कहुछंती मु एमिति अनेक व्यक्ति मानुकु जाने जो माने साधारण गोटे वस्तुवादी जीवन भितरे थाई कि मध्य से माने अनेक अग्रगति करछंती तेणु मा चाहुछंती जे आमो भळी व्यक्ति मानुकु से आगकु नेबे एवं विश्वर गुटे बृहत कार्य को से संपादित करिवे एवं सबुठारु बड़ काम जदि आमे कहिबा जे आमे देश पई जाति काई काम करिया को चाहूं तबे सबुठारु बड़ सहाय्य होउछि शिक्षा क्षेत्र रे देश बा जाति को उत्थित करिबा तेणु आमे अनेक जण सेथिरे निजकु सामिल करछे आम द्वारा किछि पिला से माने शिक्षा भितर को प्रवेश करी पारुछंती ज्ञानर जगत को प्रवेश करी पारुछंती सेटा गुटे बहुत बड़ कार्य आमे देश पई तथा पृथ्वी पई करूछि केवल एति रही आम जहाँ जाणीछे जहाँ शिखीछे आउ टे वर्धित करवा आउ टे सुंदर भाव में आउ टे उपादेयतार सहित आम से पिलामानंकर उत्थान करवा सहित आम निजर मध्य अग्रगति करवा एका शिक्षा बहटी निहाती आम को अध्ययन करवा दरकार से बही विषय आमर पूर्ण ज्ञान थिबा दरकार तेणु ये बहटी को आम धारावाहिक भाव में अध्ययन करवा प्रथम अध्यायटी आज आम कि आरंभ करवा तार प्रथम अध्यायटी होउछि जीवन विज्ञान ए जीवन विज्ञान जेतेबेले अध्यायटी आरंभ करुछंती तार उपरे गोटे सेंटेंस लिखाई निज को जानिबा ओ निज उपरे प्रभुत्व अर्जन करिबा आमको बेले बेले एटा लागे जे आमे कोन निज को जानिनु कि मु किए जदि मोते पचरा जाए जे तुम्हें किए ताहले मु मो ना जानी मु मो घर घर जानी मो बापा माँ का ना जानी मु कौन करुची जानी एवं मु मो विषय बहुत किछि कहि पारिबि किंतु एठी पूर्णी माँ कहुछंती जे निज को जानिबा ता माने से को दृष्टि रे मु कहिया को चाहुछंती जे आमे निज को जानिनु बोली प्रकृत रे भाई भणी माने आमे आमे सिना कहुछु निज को जानिछु बोली किंतु मु गोटे सत्य घटनाटी कहिबी जेतेबेले श्री रामचंद्र तांको गुरुंक पाखकु जाउछंती सेतेबेले तांको आश्रम बाहर छिड़ा है कि से तांको कबाटी को ठक ठक करुछंती सेतेबेले गुरु भितरु थाई कि तांको पचारुछंती जे किए तुमे
ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି। ସେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର, ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଖବର ମିଳିନି ଯେ କିଏ ଆସୁଛି। ଜଣେ ରାଜକୁମାରକୁ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ କଥା ନ କହିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହିଁ ଏବଂ କିଏ ମୁଁ କିଏ ସେଇ କଥାଟି ଏଇଠି ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ ଯେ ଆମେ ନିଜେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭଲ କି ଜାଣିନୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଇପାରିବା ଯେ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ କାମ ଚାହୁଁଛୁ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନୁ, ଏବଂ ବହୁତ କାମ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନ କରିବା କଥା ସେମିତି କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାଗିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ରାଗୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଝଗଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ କରୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ତା'ମାନେ ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ହେଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମତଃ ତାପରେ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେ ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିକି କିଛି ଜୀବନରେ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟି ଏକ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଧରିନିଆଯାଉ କି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଆମର ଜୀବନଟିକୁ କଟେଇବା ବା ବିତେଇବା, ମାନେ ଯେତିକି ଦିନ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯେତିକି ବର୍ଷ ଆମେ ଏଠି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛେ ଯେଣ ତେଣ ପ୍ରକାରେଣ କି ଟିକିଏ ଖୁସି ଟିକିଏ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଇକି ଆମେ ଜୀବନଟିକୁ ଏମିତି ଖାଲି ବିତେଇଦେବା, ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନଟିକୁ ମା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ କି? କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ଯଦି ବି ଆମର କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବ? ଆମେ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବା, ଭଲ ଘରଟେ କରିବା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଅହଂ ଚାରିପଟେ ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇକରି ଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଥାଉ ସେଇମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ, ଆମ ପରିବାରର ଉତ୍ଥାନ, ଆମେ ନିଜେ ଭଲ ରହିବା, ନିଜେ ଭଲ ଚଳିବା, ୟାଠୁ କିଛି ବୃହତ୍ତର, କିଛି ଉଚ୍ଚତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ନଥାଏ ସେମିତି ନୁହଁ, ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଆସ୍ପୃହାଟି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କିଏ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ବାଘ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ପଳରେ ସେ ରହିଥାଏ ସେ ନିଜେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ବାଘ କହିକି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆମେ ଏଇ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଏବଂ ଯେତିକି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବୃହତ୍ତର ହେବ ତୁମର ଜୀବନର ମାନଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ ବିଶାଳ ହେବ, ସେତେ ବୃହତ୍ତର ହେବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା, ଯେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, କିମ୍ବା ଆମ ଗାଁର ଉତ୍ଥାନ କରିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନର ମାନଟି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ଆମ ଜୀବନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବି ସେତେ ବଡ଼ ହୋଇକରି ରହିବ। ଏବଂ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ଗୋଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଉଦାର ହୋଇଥିବ, ଆସକ୍ତିମୁକ୍ତ ବି ହୋଇଥିବ। ଚାରିଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାର୍ଥଠୁ ବାହାରି ଯାଇକି ଯେମିତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବି, ଏବଂ ତା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ପରେ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇକି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଅପାଟି ଥିଲେ, ଭାଇଟି ଥିଲେ, ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେ ଛୋଟର ଆମର ମୂଳଦୁଆଟି କେତେ ଆମ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କାମରେ ଦେଇପାରିବା, ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ
लक्ष्य आम रखिपर से आमर जीवन मानटी निर्धारित हे तेणु जीवन रक्ष्यटे उच्च हम प्रशस्त हम से लक्ष्यटी गोटे विस्तृति गोटे व्यापकता ता भितर रमती संकीर्ण लक्ष्य ही नव लक्ष्यटे उदार थी आसक्ति मुक्त थी जो कथागुड़ी को मुझे आगुरी कहली जे केवल निजर जो अहंकार सहित जो मान सहित आम युक्त होता सहित मिसिकी आम लक्ष्य निर्धारण कले चलन से लक्ष्यटी आसक्ति मुक्त भी होता दरकार आउ गोटे पॉइंट माँ कहते जे तुम लक्ष्यटी जिते बड़ ही था जे पर्यंत व्यक्ति निज भितर पूर्णता को उपलब्धि करना से पर्यंत से केबे भी से लक्ष्यटी को यथार्थ भाव में परिपूरण करें जो पूर्णतार शब्द आम श्रोणंग योग को पूर्ण योग कहीकि कहचे इंटीग्राल योग कहीकि कहचे पूर्णता पथर आम सब अभिजात्री कहीकि निजक कहचे तेणु ये पूर्णताटी ही जीवन लक्ष्य एबे आमे जहाँ भी अच्छु आमर वर्तमान परिस्थिति वर्तमान चेतना वर्तमान शक्ति को लेकिन आम कहीं संतुष्ट नुह आमे समस्ते आहुरी अनेक किछि चाहूछु तेणु से पूर्णता आड़कू यात्रा टी अव्याहत रहिबा दरकार एवं वर्तमान आमे ए जो लक्ष्यर उच्चता डिपेंड करूछि लक्ष्यर जेते बड़ आदर्श ही था पछे जदि आमे पूर्णतार उपलब्धि करि न पारिबा से पर्यंत आमर लक्ष्यटी मध्य पूर्ण भाव में उपलब्ध हो पारिबो नाही तेणु वर्तमान आमर चेष्टाटी हम ए पूर्णता को किभली आमे प्राप्त करिबा पूर्णता कौन एवं पूर्णता पाइबा को हेले कौ भलिया भाव रे आमको पहाच परे पहाच आगे जीवा को हबो सेई कथाटी को मां या परे वर्णना करुछंती एठी आज आमर आलोचनाटी को आमे रखिबा समस्तंको अशेष अशेष धन्यवाद वंदे मातरम नमस्कार।